कांग्रेस का और लेफ्ट फ्रंट मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं, अब देखिए क्या होता है। शुभेंदु अधिकारी हैं पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के सामने लड़ रहे हैं, उनका ये कहना है कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी का अगर कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं होता तो ये बांग्लादेश होता और मुस्लिम कंट्री होता। ये आज से 3 महीने पहले कहाँ थे अधिकारी जी, कहाँ थे 3 महीने पहले? आज रैली है, मिथुन भी ज्वाइन कर रहे हैं। कि अच्छे नतीजे आएंगे, जिस प्रकार से पेट्रोल डीजल कुकिंग गैस के भाव बढ़े हैं और जो किसानों का आंदोलन चला हुआ है, इस सब का असर निश्चित तौर पर पड़ेगा। तो पश्चिम बंगाल का चुनाव काफ़ी इंटरेस्टिंग होता जा रहा है, कांग्रेस तरह से कई फिल्मी सितारे भी जो है बीजेपी में। ठीक है, सितारों से आने से फर्क पड़ता है कि कैसे, पहले भी कई सितारे आए और गए। आपने खुद ने अपना उत्तर दे दिया। नहीं, मिथुन क्या इफेक्ट डाल पाए? मैंने आप काम ने कहा ना कि आए और गए। आप जो किसान पंचायत अभी किया, बाकी राज्यों में कांग्रेस की क्या पोजीशन दिखती है, क्या सरकार बनाने की चांसेस है? अब देखिए, हर पॉलिटिकल पार्टी सरकार बनाने के लिए चुनाव लड़ती है, उसमें कांग्रेस भी शामिल है। थैंक यू। बिल्कुल तैयार है। कमलनाथ जी ने सभी जगह अपने ऑब्जर्वर भेज दिए और हमें इस बात की प्रसन्नता है कि इंदौर नगर निगम के लिए संजय शुक्ला जी का नाम सभी तरफ से आ गया है सर्वसम्मति से, और वे उन्होंने उनका प्रयास भी शुरू कर दिया है और हमें पूरा विश्वास है कि इस बार कांग्रेस का झंडा नगर निगम इंदौर पर लहराएगा। बात यह है कि इसके पीछे भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस हिंदू महासभा का जो सोच है वो इस देश के संस्कार और संस्कृति के विपरीत है। ये देश वो है जहाँ सभी धर्मों का समान सम्मान किया जाता है, सर्वधर्म संभाव हमारा मूल सिद्धांत है, और ये वो लोग हैं जो नफरत और हिंसा की राजनीति करते हैं, इसलिए इनमें कोई फर्क नहीं है। मुझे बात यह है कि ये कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है, और जैसा प्रवीण पाठक जी ने बताया कि ये व्यक्ति चौरसिया जो है ये पहले कांग्रेस में ही था, टिकट नहीं मिला तो उधर चला गया था, लेकिन उस बीच में उसने जो गोडसे के प्रति जो भावनाएं व्यक्त की वो व्यक्त की, उस पर हमें जरूर एतराज है। वी डी शर्मा जी जो आरोप लगाते हैं उनको मैं गंभीरता से नहीं लेता। वो उन्होंने ये भी कहा था कि केरल और पश्चिम बंगाल में जो करना होगा करेंगे, जिस तरह से मध्य प्रदेश में किया मध्य प्रदेश को बचाने के लिए। मध्य प्रदेश में जो उन्होंने किया वो केवल भाजपा को अपने आप को बचाने के लिए किया था, क्योंकि स्वयं शिवराज सिंह चौहान कह चुके थे कि अगर हम सरकार नहीं गिराते तो हम बर्बाद हो जाते। बर्बाद हो जाने का मतलब क्या है कि उनकी सारे भ्रष्टाचार की परतें खुल जाती और वे जनता की अदालत में सामने खड़े हो जाते। हम लोगों ने व्यापम पर गंभीरता से जांच पड़ताल शुरू कर दी थी, हम लोगों ने ई टेंडरिंग पर जांच चालू कर दी थी, हम लोगों ने सेहस घोटाले की जांच शुरू कर दी थी, और रेत खदानों में जिस प्रकार का इन लोगों ने और विशेषकर शिवराज सिंह परिवार जी के परिवार ने जो किया था वो सारी परतें खुलने वाली थी, इसलिए बर्बादी से बचने के लिए उन्होंने खरीद फरोख्त किया था, ये अपने आप में स्पष्ट है। लेकिन आपको ये नहीं लगता कि बहुत लंबी जांच हो गई और केस नहीं दर्ज हो पाए? ऐसा नहीं है, हर चीज़ के लिए समय लगता है। जब केस दर्ज होते तो ये नहीं, बात यह है कि उसके बारे में जो पुराना उन लोगों ने केस बिगाड़ा था उसके सुधारने के लिए सही अधिकारी को भी का भी चयन तो जो निष्पक्षता से काम करे, क्योंकि उन्होंने ऐसे अधिकारियों को वहाँ लगाया हुआ था कि जो कि पूरे तरीके से इनके कहने से काम करते थे। कमलनाथ जी की सरकार होने के बावजूद अधिकारी भी थे? बात यह है कि सरकार कमलनाथ जी की जरूर थी, लेकिन जिनके इन 15 सालों में कई
संबंध स्थापित हो गए थे, क्योंकि भाजपा के नेता और भाजपा जो है सरकार नहीं चलाती, व्यवसाय करती है, उसमें सरकारी कर्मचारी अधिकारी भाजपा के नेता और मुख्यमंत्री से लेकर सारे लोग हर निर्णय में कमीशन तय करते हैं और यही उनकी काम करने की शैली है।